हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम कैटल प्रोडक्शन का सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, उस सेकंड पार्ट को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने जो कैटल फार्मिंग के कैटल प्रोडक्शन के केस में, यानी एनिमल हस्बेंड्री के केस में जो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक के अंदर हमने कैटल फार्मिंग की बात की थी। अब आज हमारे पास फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। सिंपली अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से कैटल की फार्मिंग को हम मैनेज कर सकते हैं, तो एक तरीके से हम तीन मेन फैक्टर को दिमाग में रखते हैं। वो जो थ्री मेन फैक्टर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज है भाई, कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। नंबर वन पार्ट जो है, देखिए मेनली थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल है। वो तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला फैक्टर तो है शेल्टर। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है भाई? शेल्टर की बात करते हैं तो देखिए शेल्टर में हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है भाई? फीडिंग हैबिटेट। दूसरा क्या है? फीडिंग हैबिटेट। और थर्ड फैक्टर कौन सा है भाई? थर्ड फैक्टर हमारे पास यहां पर अगर हम बात करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। तो ये जो तीन चीजें हैं भाई, इन तीनों चीजों के आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शेल्टर की बात हम करेंगे। शेल्टर का मतलब क्या होता है भाई? शेल्टर का मतलब होता है ए प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म स्टैंड बाय। ठीक है ना, जहां पर वो जगह जहां पर किसी भी कैटल को हम स्टैंड बाय करते हैं, एक तरीके से उसको वहां पर हम रखते हैं, तो उसको हमारे पास हम किस में इंक्लूड करते हैं? दैट्स इंक्लूड इन केस ऑफ शेल्टर। अब शेल्टर की बात करते हैं भाई। शेल्टर के पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। अब शेल्टर में वो कौन कौन सी क्वालिटी जरूरी है भाई, जिसके बेस के ऊपर हम उसको शेल्टर प्रॉपर में काउंट कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है भाई? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है शेल्टर। हम ये कह सकते हैं ए प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म स्पेंड देयर मोस्टली टाइम। समझ गए ना, जहां पर वो अपनी लाइफ का मोस्टली टाइम स्पेंड करता है, उसको हम शेल्टर की फॉर्म में काउंट करते हैं भाई। अब देखिए शेल्टर का मतलब कैसा होना चाहिए? शेल्टर के पास कुछ क्वालिटी जरूरी है। शेल्टर के पास कैसा है भाई? शेल्टर की कुछ क्वालिटीज हैं, और वो क्वालिटी क्या है? नंबर वन पॉइंट देखिए, इट इज नीट एंड क्लीन। ये कैसा होना चाहिए भाई? नीट और क्लीन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। नीट और क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहां पर हम बात कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट, रेन, सनलाइट जो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, उन सब चीजों को हमने यहां पर पहुंचने से रोकना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सनलाइट की भी हमें यहां जरूरत होती है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी एरिया के अंदर सनलाइट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। वही जो सनलाइट होती है प्रॉपर में उस पार्टिकुलर जिस पर्पज को हम रखते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है,
तो इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि भाई हम कुछ इस तरीके से मैनेज करें, जैसे अगर हम अपने घरों पर ही बात करते हैं, ठीक है ना, इसी शेल्टर के साथ साथ जो एरिया है वो कंटामिनेटेड फ्री भी होना चाहिए। एरिया इज कंटामिनेटेड, कंटामिनेशन फ्री, फ्री कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, यानी किसी टाइप की कोई प्रॉपर जो डिजीज यहां पर स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो वहां पर बिल्कुल रेयर होने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ शेल्टर को इस तरीके से बिल्ड करना चाहिए कि नेचुरल मटेरियल्स, पहली बात तो पॉसिबिलिटी है कि हम नेचुरल मटेरियल्स का यूज करें, लेकिन भाई आज नेचुरल मटेरियल्स के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते। फिर भी देखिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर ब्रिक्स की दीवार हो, उसके ऊपर शेड होनी चाहिए, जो मोस्टली केसेस में हम फोटर की यूज करें तो बेस्ट रहेगी। अदरवाइज हम प्रॉपर टाइल वगैरह जो टुकड़ियां होती है उसको प्रॉपर छत दे उसको, साथ में हमें स्पेसिफिक लोअर फ्लोर की बात जो हम करते हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। उसको कैसे प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए कि स्लोप इस तरीके से हो ताकि वहां पर जो वेस्टेज होता है, मतलब प्रॉपर जो कंडीशन होती है वो रिमूव हो जाए, ठीक है ना, वहां से जो एक्स्ट्रा या डर्ट जो होते हैं वो वेस्टेज जो होता है वो रिमूव हो जाए, तो प्रॉपर कंडीशन में हमें उसको मेंटेन करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये सब जरूरी क्यों है, ये सब जरूरी क्यों है, क्योंकि भाई ये सब इसलिए जरूरी होता है कि प्रॉपर फार्म मैनेजमेंट जो होती है, मतलब जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट शेल्टर की ही बात करते हैं, तो शेल्टर के बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, शेल्टर के बेस के ऊपर हम कर सकते हैं भाई कि अगर शेल्टर प्रॉपर होगा तो जो ग्रोथ होती है कैटल्स की वो ग्रोथ भी प्रॉपर रहेगी। क्यों रहेगी भाई, सेल्टर प्रॉपर है तो जो कैटल है वो हैप्पी रहेगा और हैप्पी के बेस के ऊपर ग्रोथ होगी। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, सेल्टर अगर प्रॉपर होगा तो मींस जो कैटल जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं मिल्स, उनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। तो फॉर मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर, उसके लिए हमें गुड सेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर ग्रोथ ऑफ मैमल, जो भी कैटल है हमारे पास उसको मैमल बोल रहे हैं, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ कैटल, तो हमें फार्म्स की मैनेजमेंट में शेल्टर पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन है भाई हमारे पास, सेकंड हमने फीडिंग हैबिटेट की बात बताई। फीडिंग हैबिटेट का मतलब आप समझते हैं कि फीडिंग हैबिटेट में हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है कि फूड, हर किसी एनिमल्स को अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए फूड की जरूरत होती है, उस फूड की नेसेसिटी को देखते हुए, ठीक है, वो फूड यहां पर एनिमल्स इन कैटल, कैटल के लिए फूड की बात नहीं है, फूड तो हर किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फीडिंग हैबिटेट, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फीडिंग हैबिटेट। एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस अर्थ, हर किसी ऑर्गेनिजम्स को इस अर्थ के अंदर फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड कोई भी एनिमल से उसको क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है ना, हम यह लिख सकते हैं कि फूड, फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर सर्वाइवल, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फूड जो होता है वो एनर्जी के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। ऐसे में अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड क्यों जरूरी है, मैंने आपको कहा था कि फूड दो मेन प्रोसेस के लिए जरूरी है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, यानी एक तरीके से लाइफ को सपोर्टेड सपोर्ट करता है, लाइफ की फंक्शनिंग प्रॉपर हो उसको सपोर्ट करता है फूड। सेकंड कंडीशन क्या होता है, फूड मिल्क की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होता है, ठीक है, व्हाई वी नीड फूड, यहां पर अगर हम लिखते जैसे ये तो हमने लिख दिया व्हाई, व्हाई कैटल रिक्वायर्ड फूड, अगर हम ये लिख के चले तो प्रॉपर वे में देखिए हमारे पास क्या क्या चीज है भाई, सबसे पहले मेंटेनेंस, बॉडी की मेंटेनेंस जो होती है
मेंटेनेंस, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। अब ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो होता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, अगर हम इसमें बात करें तो ये बोल सकते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसको मेंटेन करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में क्या है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। सेकंड क्या है भाई, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है ताकि हमें प्रॉपर कैटल से मिल्क मिलता रहे। तो फॉर मिल्क, ठीक है ना, ये किसके लिए है, फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, समझ गए। तो हर किसी ऑर्गेनिजम्स को, अब देखिए अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड के कैटल्स के केस में कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है, फूड की स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। तो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फूड हम बना सकते हैं, या कंपोनेंट ऑफ फूड का नाम से एक स्पेसिफिक पॉइंट बना सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ फूड। फूड की कंपोजिशन की बात करते हैं, फूड की कंपोजिशन में सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा किस चीज की मेंटेनेंस की बात करते हैं भाई, दो तरीके के मेन मेन पॉइंट होते हैं, जो एक तरीके से जिसमें हमारे पास रफेज इंक्लूड है, जिसमें हमारे पास क्या है भाई, रफेज इंक्लूड है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या है, रफेज, ठीक है। इस रफेज के साथ साथ अगर हम दूसरी बात करते हैं ना, तो दूसरा हमारे पास क्या है, जो कॉन्सेंट्रेटेड फूड होता है। अब उस कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है हम बताते हैं, कॉन्सेंट्रेट्स आप समझ जाएंगे सारी बातें। रफेज का मतलब क्या होता है, फोडर। रफेज का मतलब होता है फोडर, ठीक है ना, जिसको हम चारा बोलते हैं। तो चारा रफेज में इंक्लूड है, इसमें भी स्ट्रॉ, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हमें, व्हीट स्ट्रॉ का यूज कर सकते हैं, व्हीट स्ट्रॉ का यूज कर सकते हैं, ग्रीन फोडर का यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे पास एक तरीके से, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कैटल जो होते हैं वो सेलुलोजिक डाइट जो होती है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, कैटल जो होते हैं वो सेलुलोजिक डाइट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मीन्स कैटल्स का जो रुमिनेंट, एक तरीके से स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है रुमेंट, उस रुमेंट्स के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं। वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो मीन्स प्रोटोजोअन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस सेलुलोज को ब्रेक कर देते हैं सेलुलेज एंजाइम्स की सहायता से, और वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होती है, मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो वो फोडर हमारे पास दो तरीके का हो सकता है भाई, एक तो हो सकता है हमने जैसे यहां बोला ना कि व्हीट स्ट्रॉ का यूज हम कर सकते हैं, व्हीट स्ट्रॉ का यूज कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन फोडर का यूज कर सकते हैं। ग्रीन फोडर तो हमें डिफरेंट सोर्स से मिल सकता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, या भाई बिरसम आपने सुनी होगी, तो इस तरीके से हमारे पास जई आपने सुनी होगी, तो ये सब ग्रीन फोडर का एग्जाम्पल है। अगर हमें यहां पर इस फोडर के बेस के ऊपर बात करते हैं तो देखिए भाई, इस फोडर के बेस के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन वेरी करती है, क्योंकि दो तरीके के कैटल हमने सिलेक्ट किए थे, एक तो वो कैटल जो मिल्स प्रोड्यूसिंग कैटल्स है, दूसरे हमारे पास वो कैटल थे जिनको हम ड्राउट में काउंट करते थे, यानी ड्राउट एनिमल्स के बेस के ऊपर काउंट करते थे। तो ड्राउट के केस में हम ग्रीन मैन्योर की ग्रीन फोडर जो होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो वहां पर हम ग्रीन फोडर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कंसंट्रेट। अब कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट का मतलब ये होता है भाई कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे हम ये कह सकते हैं, इट इंक्लूड द, हम यहां पर ये कह सकते हैं इट इंक्लूड्स द न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट,
सप्लीमेंट्स, यानी ऐसे सबस्टेट ऐसे सब्सटेंस का हम यूज करेंगे जिसके अंदर न्यूट्रिशन की अमाउंट कुछ ज्यादा होती है दूसरों के कंपैरिजन में, जिसमें न्यूट्रिशन की अमाउंट ज्यादा होती है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है भाई, विटामिन्स है, फैट्स है भाई, प्रोटीन है, क्योंकि हर किसी कैटल में, जिसको हम मिल्स कैटल की फॉर्म्स में बोलते हैं, जो हमें मिल्स यानी मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कैटल्स को इन सभी चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो डेली वेज पे भाई हमें मिल्क देते हैं। तो ऐसे में अगर हम उसकी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो मिल्क कहां से प्रोड्यूस करेंगे, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ हम डिफरेंट टाइप्स के सीड, हेयर वी यूज द सीड्स ऑफ डिफरेंट सीरल्स पल्सिस एटसेट्रा, इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना कि हम उसको जैसे हम मस्टर्ड केक बोलते हैं भाई, मस्टर्ड केक सुना होगा ना, खल बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, खल, है ना भाई। दूसरी तरफ हम बोलते हैं बिनोला भाई, कॉटन सीड जो होते हैं उसको बोलते हैं हम बिनोला। तो इनका हम डाइट में प्रॉपर यूज करते हैं, जो हमें मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स होते हैं उनकी डाइट्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में मिल्क प्रोवाइड कर सके। तो इस टोटल ओवरऑल कंडीशंस को अगर हम एक कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, तो कैटल्स को भी रिक्वायरमेंट होती है, कैटल रिक्वायर्ड किस चीज की भाई, रिक्वायर्ड बैलेंस्ड डाइट, समझ गए ना, किस चीज की जरूरत है भाई, बैलेंस डाइट की जरूरत है, मतलब प्रॉपर वे में उनको डाइट की जरूरत है, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर एक बैलेंसिंग कंडीशन की बात करें तो भाई हर किसी कैटल के केस में वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है, ऐसा नहीं कि वाटर डाइट के बेस के ऊपर इंक्लूड ही नहीं होता, वाटर भी डाइट के बेस के ऊपर इंक्लूड होता है। अगर प्रॉपर अमाउंट में अगर बात करें हमें, अगर किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, तो डाइट के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास मेन जो कंपोजिशन है डाइट की उसमें तीन चीजें हम बोल सकते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई, एक तो हमने रफेज की बात की, एक तो हमने किसकी बात की भाई, रफेज की बात की, एक तो हमने बात की भाई रफेज, है ना, जिसकी अमाउंट 50-20 केजी तक होनी चाहिए, डेली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने बात की किसकी, कॉन्सेंट्रेट्स की बात की, कॉन्सेंट्रेट के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, 4-5 केजी, ये हमारे पास जो आपको मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेट के केस में क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो उसके बेस के ऊपर हमारे पास क्या है, उसमें जिस डाइट के अंदर फैट वगैरह ज्यादा होता है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद एक और चीज है मेन हमारे पास, वो क्या है भाई, वाटर। वाटर वैसे वेरी करता है, लेकिन फिर भी वाटर की अगर एवरेज कंडीशन निकाले तो एवरेज में 30 लीटर्स, ठीक है ना, डेली 37 लीटर डेली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक मवेशी को। हालांकि वो साइज पे डिपेंड करता है, छोटा कैटल है तो उसको कम चाहिए, ज्यादा बड़ा कैटल है तो ज्यादा चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास एक और केस है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और केस है भाई, इन सब चीजों के साथ साथ फूड की डाइट के अंदर हमें किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें हॉर्मोन्स है, एंटीबायोटिक्स है, या भाई एक तरीके से विटामिन या मिनरल्स की बात कर सकते हैं, तो वो भी हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मैं लिख देता हूं, डाइट आल्सो बियर्स बैलेंस्ड डाइट आल्सो बियर मिनरल्स, ठीक है भाई, विटामिन्स
एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स एटसेट्रा, ये सब भी रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस डाइट के केस में। कहीं आप ये समझे कि सर ये तो नहीं है। नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पशुओं को कैटल जो होते हैं ना उनको कैल्शियम जो सॉल्यूशन होता है उसको पिलाते हैं, तो वो भी जरूरत है भाई, ठीक है। देन उसके बाद है डिजीज ऑफ कैटल एंड बफेलो, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मवेशियों को, जो हमारे कैटल से उनको हो जाती हैं, तो वो जो डिजीज है हमारे पास फीडिंग के बाद, थर्ड पॉइंट क्या है, डिजीज। डिजीज इन काउ एंड बफेलोज, ठीक है भाई। काउ और बफेलो के अंदर कौन सी बीमारियां हो जाती है, कुछ प्रॉपर बीमारियां हैं। अब बीमारियों को तो हम भाई दो तरीके से ही क्लासिफाई कर लेते हैं, हालांकि उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं भाई, बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकती है, वायरल डिजीज भी हो सकती है। उसके साथ साथ हमारे पास तो मेन जो कैटेगरी हमने बनाई उस कैटेगरी में हमारे पास दो कैटेगरी हैं। नंबर वन कैटेगरी है भाई पैरासिटिक डिजीज, दूसरा हमारे पास क्या है भाई, दूसरा हमारे पास एक तरीके से इनफेक्शियस डिजीज, ठीक है। इनफेक्शियस डिजीज की बात करते हैं भाई, अगर हम बात करें हैं पैरासिटिक डिजीज की, तो पैरासिटिक डिजीज के केस में हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें हमारे पास मतलब जो कैटल्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। उसमें क्या चीज है भाई, जैसे फ्लीज है, फ्लीज प्रेजेंट होती है, ठीक है भाई। लाइस है, लाइस का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। लाइस है, फ्लीज है, लाइस है, जो एक तरीके से आप सबको पता कि ब्लड सकिंग लाइस जो होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं, जो ब्लड को सक करते हैं भाई। माइट्स है, ठीक है ना, फ्लीज लाइस माइट एंड भाई उसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे एंड टिक हैं, जैसे एंड टिक्स, ये सब जो जीव होते हैं ना ये पैरासाइट्स होते हैं। और दे कॉज, सबसे बड़ी बात की दे कॉज कॉज एनीमिया, क्या सो करते हैं भाई, इनकी वजह से एनीमिया हो जाता है। यू नो कि एनीमिया का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है कि एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया, ठीक है ना, लैक ऑफ ब्लड, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में कैटल जो होता है, मवेशी जो होता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये डिफरेंट डिजीज है भाई, कैटल जो है, माइस जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। उसके साथ साथ बफेलो वगैरह के केस में भी बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है भाई, जैसे प्रॉपर वे में अगर बात करते हैं तो लीच की बात करते हैं, लीच, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लीच की बात करते हैं, तो लीचेज भी इसमें इंक्लूड है बफेलो के केस में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं भाई जो बॉडी के अंदर हो जाते हैं, मतलब जिसमें एस्कैरिस वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं वो इंटरनली होते हैं, वॉर्म्स लाइक जैसे एस्कैरिसिस रिटुलोरियम से जो प्रेजेंट है, अफेक्टेड द स्टमक्स और इंटेस्टाइन वगैरह जो होती है, या फिर फ्लक्स हो जाते हैं, वो सब अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को। इन्फेक्शियस डिजीज आर कैटेगराइज इंटू टू ग्रुप्स, इन्फेक्शियस डिजीज है उसकी दो कैटेगरी हमने बना ली भाई, एक तो डिजीज बाय द हेल्प ऑफ या वायरल डिजीज बोल सकते हैं आप, वायरल डिजीज जो वायरस के बेस के ऊपर होती है, दूसरी जो हमारे पास है वही उसको बैक्टीरियल डिजीज बोल सकते हैं। हालांकि बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, और भी बहुत सारे इसमें एजेंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रोटोजोअन है, ठीक है ना, या कोई और कंडीशन है भाई। उसके साथ साथ एंथ्रेक्स है, हिमोराइजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, ये सब डिजीज है जिसके बेस के ऊपर। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है भाई, ठीक है, इसमें देखिए वायरल डिजीज की बात करते तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है ना, फुट एंड माउथ डिजीज की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, फुट एंड माउथ डिजीज की बात करते हैं, जो एक वायरल डिजीज है,
ठीक है ना, फुट एंड माउथ जो डिजीज है वो एक वायरल डिजीज है, और ये डिजीज जो है जैसे और भी अगर हम बात करते हैं तो जैसे काउ पॉक्स है, ठीक है भाई, वो सब वैक्सीनिया रोडेंट रेंडर पेस्ट डिजीज है। ये सब किसके बेस के ऊपर होती है? ऑल आर कॉज ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन से, ये वायरल के इन्फेक्शन के बेस के ऊपर होती है। अब किसी भी वायरल डिजीज की अगर हम बात करते हैं, उस वायरल डिजीज को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, क्योर कैसे कर सकते हैं? भाई पहली बात तो आप एक बात समझ कर चलिए कि मोस्टली वायरल डिजीज जो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उसको तो बॉडी खुद की इम्यूनिटी पे ही कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी प्रीकॉशंस जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं ट्रीटमेंट के लिए, यानी इलाज के लिए प्रीकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी भी कैटल के अंदर, किसी भी मवेशी के अंदर फुट एंड माउथ डिजीज है, तो ऐसे में उसके माउथ के अंदर जो लार आती है, पैरों से चला नहीं जाता, चारा वो नहीं खा सकता, तो ऐसे में आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे में उसके पैरों को या माउथ को हमें पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है, जिसको हम लाल दवाई बोलते हैं, उसकी सहायता से हम वास कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। तो इस तरीके से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि जल्दी सही प्रॉपर टाइम पर रिकवरी हो सकती है। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज की बात हमने बताई कि अभी हमने कहा कि सेप्टिसीमिया हो सकता है, ठीक है ना, एंथ्रेक्स हो सकता है, ठीक है भाई, इसमें जैसे हीमोराइजिक सेप्टिसीमिया हो सकता है भाई, इसमें क्या हो सकता है, ब्लैक क्वार्टर हो सकता है, ठीक है ना, ब्लैक क्वार्टर हो सकता है भाई, इसके केस में एंथ्रेक्स भी हो सकता है, एंथ्रेक्स भी हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बैक्टीरिया के बेस के ऊपर होती है। अब बैक्टीरियल डिजीज के लिए प्रॉपर हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, अगर किसी भी मवेशी को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो एक प्रॉपर टाइप पर हम प्रॉपर फिजिशियन की सहायता से सलाह ले सकते हैं, उसकी सहायता से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड कर सकता है, जिसके बेस के ऊपर हम डिजीज से मवेशी को बचा सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में मैंने तीन मेन पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया, और वो तीन मेन पॉइंट्स कौन कौन से, सबसे पहले मैंने शेल्टर की बात की, दूसरी प्रॉपर शेल्टर जो होता है वो एनिमल्स की ग्रोथ के लिए और उसकी जो मिल्क वगैरह की जो प्रोडक्शन होती है वो प्रॉपर मेंटेन करने में हेल्प करता है, हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि फीडिंग हैबिटेट, यू नो फीडिंग हैबिटेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि फूड से एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करने में या किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंस ही रखता है। उसके बाद थर्ड हमने बताया डिजीज, अब डिजीज की भी बात भाई, अगर कोई हेल्दी ही नहीं होगा तो वो फिर फंक्शनिंग कैसे करेगा, तो हेल्थ के बारे में भी हमने बताया, मतलब डिजीज के बेस के ऊपर बताया कि कैटल्स में कौन सी बीमारियां हो जाती है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हमें पोलिट्री पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।